Hi student, today we will discuss chapter 3. You know that chapter 3 is fibers and plastic. In chapter 3, fibers and plastic, today we will discuss how are synthetic fibers manufactured? How are synthetic fibers manufactured? Dear student, question is how synthetic fibers are manufactured? Dear student, in the industry of fibers, synthetic fibers manufactured by solid petrochemicals for the making fibers. Firstly, we take solid petrochemicals. If apply heat at very high temperature and pressure. Yes, student, when petrochemicals apply very high temperature and pressure, then it melted. We obtain a melted matter. जब हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉलिड पेट्रोकेमिकल्स पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा मेल्टेड मैटर्स. यस स्टूडेंट, वी ऑब्टेन मेल्टेड मैटर्स. ओके यस स्टूडेंट, व्हेन मेल्टेड मैटर इज ऑब्टेन्ड देन अप्लाई फोर्स थ्रू spine blade. Apply force through spine blade. Dear student, spine blade is a perforated plate. Okay, when we apply high pressure or force on the melted matters, the matters come through the holes and became a long fibers. Okay, it became a long fibers, and long fibers is spun by spinning wheel. When long fiber is spun by spinning wheel, it convert rayons, and when rayons woven or knitted, it obtained fibrin. We obtained fibrin. The student, fibrin is used for making cloth. Okay. Again, हम क्या करेंगे सॉलिड पेट्रोकेमिकल्स लेंगे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये मेल्टेड मैटर्स मिलेगा उसे हम क्या करेंगे उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे फोर्स थ्रू द स्पाइन ब्लेड के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे स्पाइन ब्लेड के थ्रू तो क्या होगा कि हमने स्पाइन ब्लेड के जो होल्स होते हैं उससे निकल करके हमें लॉन्ग फाइबर्स मिलेंगे लॉन्ग फाइबर्स को स्पून करेंगे बाई यूजिंग स्पाइनिंग ब्लेड तो क्या मिलेगा हमको यार्न्स और यार्न्स को जो हम नाइटिंग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फैब्रिक और फैब्रिक कहाँ पे यूज होता है बच्चा फैब्रिक यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स. ओके, ऑलवेज रिमेंबर द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर. ऑलवेज लर्न दिस प्रोसेस. Okay, so take a screenshot. Okay, I think you write down
दिस कंटेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर. डियर स्टूडेंट, हियर वी आर डिस्कस सम इंपॉर्टेंट मैनमेड फाइबर, सम इंपॉर्टेंट मैनमेड फाइबर्स. स्टूडेंट, द रेयॉन्स इज ऑल्सो अ मैनमेड फाइबर. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द रेयॉन्स. डियर स्टूडेंट, रेयॉन्स मेड बाय प्रोसेसिंग सेलुलोज इन द फूड पल्प. डियर स्टूडेंट, यू नो दैट द वॉल ऑफ द प्लांट मेड अप बाय सेलुलोज विल बी यूज पल्प ऑफ वुड. द पल्प ऑफ वुड पल्प कंटेंट सेलुलोज एंड सेलुलोज. From cellulose we made rayons. Okay, so here made by the process, I mean rayons made by processing the cellulose in wood pulp. Okay student, हमें क्या होता है कि जब rayons हमें बनाना है तो हम क्या करते हैं, जो wood का pulp होता है वुड पल्प ले लेते हैं. वुड पल्प क्यों लेते हैं, क्योंकि दरअसल जो प्लांट्स होते हैं उसकी जो वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है. इसलिए जब वुड पल्प ले लेंगे तो उससे क्या होगा, उसको ले आकर के प्रोसेसिंग करा देंगे, जिससे क्या बनेगा, रेयॉन्स बनेगा. नाउ इट हैज द लश्चर. स्टूडेंट, लश्चर ऑफ सिल्क. जो लश्चर होता है रेयॉन्स में एकदम सिल्क की तरह होता है, लश्चर लाइक द सिल्क. सो और हेंस इट ऑब्टेन्ड कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क. डियर स्टूडेंट, हम रेयॉन्स को आर्टिफिशियल सिल्क भी कह सकते हैं, क्योंकि दर्शन बिकॉज इट हैड द लश्चर लाइक सिल्क. ओके dear student, now discuss properties of the rayons. Dear student, rayons is a strong fiber and good absorbent. Rayons होता है वो उसमें उसकी जो capacity होती है, loading power होती है उसकी, वो ज़्यादा होता है, strong होता है, और साथ में ये अच्छा absorber होता है. मतलब अगर हमारे कपड़े में अगर rayons mix है ये क्या करेगा, स्वेट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा. हम ऐसे तो कपड़े चाहते हैं जो हमारे स्वेट्स को क्या करे, एब्जॉर्ब, इजीली एब्जॉर्ब कर ले, ऐसा लाइक कॉटन. दैट मींस रेयॉन्स हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी टू कॉटन. इट बर्न एट हाई टेम्परेचर. ये जल्दी फायर कैच नहीं करता. अच्छे फाइबर्स की तो यही क्वालिटी होनी चाहिए ना. इट हैज सॉफ्ट एंड सिल्की फ्रेंस. ये काफी सॉफ्ट होता है, कॉटन भी तो सॉफ्ट होता है, एंड सिल्की टच होता है, काफी इसमें सिल्क जैसा फील होता है. इसी वजह से आजकल जो मार्केट में कॉटन के कपड़े मिलते हैं आपको, वो प्योर कॉटन के नहीं मिलते, वो ब्लेंड कॉटन को मिलते हैं लोग, यानी कि उसमें मिक्स किया जाता है कॉटन में, इसको रेयॉन्स को मिक्स किया जाता है. ठीक है, और हमें पता नहीं चलता है क्यों, दरअसल रेयॉन्स की काफ़ी प्रॉपर्टी कॉटन से सिमिलर होती है, इसी वजह से पता नहीं चलता. यूज ऑफ रेयॉन्स. डियर स्टूडेंट, रेयॉन्स यूज फॉर मेकिंग ड्रेस, एप्रॉन्स एंड कैप्स. But not a pure rayons are used for making dresses, aprons and caps. We use a mixture of 50% mixture 50 and 50% mixture of cotton and rayons. 100% rayons नहीं use होता, rayons directly use नहीं होता, rayons को as a mixture. Cotton 50% लेंगे, 50% क्या लेंगे, rayons का जो mixture है
उसको लेकर के हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर द मेकिंग ड्रेसेस एप्रॉन्स एंड कैप्स. डियर स्टूडेंट, इट ऑल्सो यूज इन द मेडिकल सेक्टर फॉर मेकिंग बैंडेजेस जानते हैं ना, बैंडेजेस, ड्रेसिंग वाउंड मतलब पट्टियां. इट ऑल्सो यूज एट होम्स, हम लोग घर पे भी इसका यूज करते हैं फॉर मेकिंग बेडशीट्स, जो बेडशीट्स होते हैं उस पर ओबे किसकी बनी होती है उस पर भी रेयॉन्स पाया जाता है. कर्टेंस, जो घर के कर्टेंस पर्दे हैं वो भी उसमें भी क्या पाया जाता है, रेयॉन्स. टेबल क्लॉथ, टेबल क्लॉथ में भी क्या पाया जाता है, रेयॉन्स. जो कारपेट है हमारे घर पे वो भी किसकी बनी हुई है, रेयॉन्स का ही मिक्सचर है, 100% रेयॉन्स नहीं होता, मिक्स होता है. डियर स्टूडेंट, इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में पता है आपको रेयॉन्स सबसे ज्यादा कहां प्रोड्यूस होता है, आर यू नो दैट इन वर्ल्ड the maximum production of rayons in the India. Here, Grasim Industry Limited. Grasim Industry, the name of industry is Grasim Industry Limited, which are stabilized in Madhya Pradesh. You know that Madhya Pradesh is situated in India. The Grasim Industry Limited in Madhya Pradesh, India is largest producers of rayons in the world. Pure world mein sabse zyada rayons kaun banata hai, ek Grasim Industry hai, Grasim Industry Limited hai, jo kahan pe situated hai beta, मध्य प्रदेश इंडिया में, और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेयॉन्स प्रोडक्शन करने वाली इंडस्ट्री है. सो वी प्राउड टू बी इंडियंस बिकॉज वी आर द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ रेयॉन्स. ओके डियर स्टूडेंट, टेक स्क्रीनशॉट अबाउट द गिवन कंटेंट्स on board and write down in your notebook. Dear student, please read your chapter 3. Okay, thank you very much.